मुजफ्फरपुर रेप कांड, पूरा देश हुआ शर्मसार। आइए सुनते हैं मुजफ्फरपुर रेप कांड की पूरी कहानी। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में सेवा संकल्प द्वारा एक बालिका गृह संचालित किया जा रहा था, जिसमें लगभग 44 बच्चियां रह रही थीं। इस बालिका गृह में रह रही 34 बच्चियों के रेप होने की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस की सुपरविजन रिपोर्ट में बच्चियों ने बताया है कि वहां की केयर टेकर द्वारा उनको मारा जाता था, पीटा जाता था और उनके शरीर पर खौलता हुआ पानी डाला जाता था। रात को खाने में नशीली दवाएं मिला दी जाती थी, जिसके बाद बच्चियां सो जाती थीं, फिर उनका रेप किया जाता था और सुबह उठने पर उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं होते थे। बालिका गृह में हो रहे यौन शोषण का खुलासा तब हुआ जब TISS ने इस बालिका गृह का सोशल ऑडिट किया। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों पर चार्जशीट दायर किया है और बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच CBI कर रही है। ब्रजेश ठाकुर और उसकी केयरटेकर के अलावा कौन कौन से लोग इस यौन शोषण मामले में सम्मिलित हैं, ये तो CBI जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ब्रजेश ठाकुर प्रातः कमल नामक अखबार भी चलाता था, जिसकी केवल 300 प्रतियां छपती थी और उसका सर्कुलेशन 60,000 दिखाया गया है। ब्रजेश ठाकुर के अखबार में सरकारी विज्ञापन के लिए सरकार 1 करोड़ का फंडिंग भी करती थी। ब्रजेश ठाकुर का सरकारी महकमे में कितना वर्चस्व था, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। CBI रिपोर्ट की जांच आने तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, आखिर कौन से वो सरकारी लोग थे जो ब्रजेश ठाकुर को सरकारी फंडिंग करते थे। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोधी पार्टियां नीतीश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरने में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर हमारे देश की बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं, क्यों दिन प्रतिदिन रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और अब एक बालिका गृह के बच्चियों को ही देह व्यापार में धकेल दिया गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, मंजूर आलम की रिपोर्ट आप सुन रहे थे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।